नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आपसे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि मृत परिजन हमारे सपने में आते हैं तो मिलते हैं हमें सात संकेत। उस वीडियो में आपके बहुत से कमेंट आए कि यदि हमारे मृत परिजन हमारे सपने में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपके परिजन आपके सपने में दिखाई देते हैं तो इन सपनों का क्या संकेत होता है और आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, कितनी विचित्र सी स्थिति है कि यदि यह बात अपने आप में सत्य है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति का जन्म कहीं और हो जाता है तो मरने के पश्चात भी उसी स्वरूप के अंदर हमारे परिजन हमें कैसे दिखाई दे जाते हैं, और जब वे हमें दिखाई देते हैं तो उनकी मुद्राएं भी बहुत अलग अलग होती है। जैसे कई बार वह प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं तो कई बार क्रोधित मुद्रा में, तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह हमें कुछ संकेत देना चाहते हों, हमें किसी बात से आगाह कराना चाहते हों। जब उनका जन्म कहीं और हो गया है तो कैसे संभव है ये सब। खैर, इन सभी बातों को यहाँ छोड़कर आज हम अपने टॉपिक पर ही बने रहेंगे कि यदि हमारे मृत परिजन हमें सपने में दिखाई दें तो हमें क्या करना चाहिए। अब मित्रों, यहाँ मैं आपको एक बात से अवश्य अवगत कराना चाहूँगा कि जब भी हमारे मृत परिजन हमारे सपने में आते हैं तो यह स्वप्न कोई साधारण स्वप्न नहीं होते। इन स्वप्न के पीछे कोई ना कोई संदेश अवश्य छुपा हुआ होता है, जैसे कि हमारे सपनों के अंदर वे आकर हमें कुछ संदेश देना चाह रहे हों, हमें किसी बात के लिए सतर्क करना चाह रहे हों, या फिर कोई ऐसी इच्छा जो वह आपके द्वारा पूर्ण कराना चाहते हैं। तो यहाँ मैं सर्वप्रथम आपसे यही कहूँगा कि यदि मृत परिजन हमारे सपने में आते हैं तो उस स्वप्न को आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि किस मनोकामना को ध्यान में रखकर वह हमें स्वप्न के अंदर दर्शन दे रहे हैं। और यदि वह स्वप्न आपको समझ में आ जाए तो उस कार्य को मित्रों आपको अवश्य करना चाहिए जिस कार्य के लिए वह आपके स्वप्न में आकर संदेश देकर गए हैं। उदाहरण स्वरूप यदि हम जानना चाहें तो जैसा कि यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और आपके मृत परिजन आपको सपने के अंदर प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं तो यह उनका एक संकेत होता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित रूप से मिलेगी सफलता। तो वहीं दूसरी तरफ यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें आपके मृत परिजन आपको क्रोधित अवस्था में दिखाई देते हैं तो आपको निश्चित रूप से सचेत हो जाना चाहिए। उस कार्य को करने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ यदि स्वप्न में आकर वे आपसे कुछ मांग करते हैं, वह मांग किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे भोजन की, वस्त्र की, जूते की, इत्यादि किसी भी प्रकार की। यदि आपको वह स्वप्न समझ में आता है तो वह कार्य भी आपको अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ आपका जो एक सवाल है कि यदि हमें हमारा स्वप्न याद रह गया तो आप वह कार्य अवश्य कर लेंगे, किंतु कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न में मृत परिजन आ तो जाते हैं किंतु या तो वह सपना हमें सही ढंग से याद नहीं रह पाता या फिर उस सपने को हम सही से समझ नहीं पाते। ऐसे में अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। अब मित्रों, यहां मैं आपको एक बात से अवश्य अवगत कराना चाहूंगा कि यदि मृत परिजन सपने में एक दो बार ही आते हैं और फिर लंबे समय तक आपके स्वप्न में दोबारा नहीं आ रहे हैं तो इस स्थिति को बहुत ही सामान्य माना जाता है। ऐसी स्थिति में जिस रात्रि में आपको मृत परिजन का स्वप्न दिखाई दे उससे दूसरे दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और एक माला गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपने पितृजनों को प्रणाम करना चाहिए और एकाग्रचित्त होकर मानसिक रूप से ध्यान करना चाहिए कि जो भगवान सूर्य को मैंने अर्घ अर्पण किया है और गायत्री मंत्र का जाप किया है, आप इस सृष्टि के ऊपर जहां कहीं भी हैं इनका पुण्य आपको प्राप्त हो। किंतु यदि हमारे परिजन हमें बार बार स्वप्न के अंदर दिखाई देते हैं तो मित्रों यह स्थिति हमें पूर्णतया स्पष्ट कर देती है कि या तो वे हमसे कुछ वस्तु की मांग करना चाह रहे हैं या फिर कोई भी कार्य हमें करने या रोकने का संकेत देना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति यदि आपको देखने को मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मित्रों, हमें एकाग्रचित्त होकर चिंतन करना चाहिए कि यदि मृत व्यक्ति मरने से पहले कुछ ऐसा विशेष कार्य करना चाह रहे थे जो उनके मरने से पहले पूर्ण नहीं हो पाया, उसे हमें अवश्य पूर्ण करना चाहिए। इसी के साथ शास्त्रों में बताया गया है कि यदि मृत परिजन के निमित्त हम गरीबों को भोजन कराते हैं और भोजन में भी यदि संभवत हो तो वह सामग्री हो जो उन्हें बहुत पसंद थी, ऐसी स्थिति करने पर मृत व्यक्ति होते हैं प्रसन्न। साथ ही गौ माता को भोजन कराना, दक्षिण दिशा के अंदर अपने मृत परिजनों के निमित्त घी का दीपक जलाना, गायत्री मंत्र का जाप करना, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना और उनके निमित्त किसी भी मंदिर, देवालय या फिर गरीबों में दान करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलती है दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति और हमारे घर के पितृदेव होते हैं प्रसन्न। अब मित्रों, यहाँ मैं आपका एक संशय और दूर कर दूं कि बहुत से लोगों का मानना होता है कि एक दिन किसी भी पंडित जी को बुलाकर गीता पाठ करवा दो तो आपके मृत परिजन प्रसन्न हो जाएंगे, जबकि यह मानना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे मृत परिजन थे उनका रक्त आज हमारे रोम रोम के अंदर संचरण कर रहा है और एक दिन यदि आपने किसी ब्राह्मण को बुलाकर गीता पाठ करा भी दिया तो उससे क्या हो जाएगा। ऐसा करने की बजाय यदि आपसे रोज संभव ना भी हो तो भी अमावस्या के दिन अपने पितरेश्वरों के निमित्त गौ माता को भोजन अवश्य कराना चाहिए, साथ ही गरीबों के अंदर भी अन्नदान अवश्य करना चाहिए, इससे होते हैं पितरेश्वर प्रसन्न।
और देते हैं हमें मनचाहा वरदान। साथी मित्रों, यहां मैं आपको एक बात से अवश्य अवगत कराना चाहूंगा कि सृष्टि के ऊपर जो 33 कोटि के देवी देवता हैं, वे सभी के लिए समान हैं, किंतु हमारे घर के जो पितृदेव होते हैं वे हमारे घर के देव होते हैं, और यदि उनके निमित्त हम दान पुण्य कर उन्हें प्रसन्न रखते हैं तो वही पितृदेव हमारे घर में करते हैं दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति। और आप यह स्थिति अजमा कर देख लीजिएगा, जो भी अपने पितृश्वरों के निमित्त दान पुण्य करते हैं उन्हें पितृश्वरों का रहता है सदैव पूर्ण रूप से आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रगणों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।